मैं भावना बिष्ट स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल भावना मोहन ब्लॉग्स में। तो आज है हमारे उत्तराखंड का लोक पर्व हरेला। तो उत्तराखंड के लोक पर्व हरेला की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जो उत्तराखंड के नहीं है मैं उनको थोड़ा सा बता देती हूँ हरेला क्या होता है। हरेला कर्क संक्रांति को मनाए जाने वाला त्योहार है। उत्तराखंड में इसको बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। हरेला मतलब हरियाली, ये खुशहाली सुख समृद्धि का प्रतीक होता है हरेला। हरेले से 9 दिन पहले कुछ अनाज होते हैं जिनको बोया जाता है और जब वो अनाज अंकुरित होके एक पौधे का रूप ले लेते हैं बस उसी को ही हरेला कहा जाता है। और हरेला कर्क संक्रांति वाले दिन काट लिया जाता है। जो घर के बड़े लोग होते हैं वो बच्चों को पूछते हैं, अपने घर के बच्चों को पूछते हैं, मतलब पहले उनके पैरों में रखते हैं हरेला, फिर घुटनों में, फिर यहाँ ऐसे पूछते हैं, मतलब उनको आशीर्वाद देते हैं। चीरया जगरया ईदीनी बार भिंडे रया, पहले हमारी दादी हम लोग को ऐसे पूछती थी, मतलब आशीर्वाद देती थी, उनके मुंह से सुनने में बहुत अच्छा लगता था ऐसे आशीर्वाद। और मैं यहाँ पे हरेला का भी पिक्चर डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा कैसा होता है हरेला। मतलब इसको उत्तराखंड में ना बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और इसी दिन से उत्तराखंड में सावन मास की आगमन भी हो जाता है। दोस्तों मेरे पास कुछ पिक्चर्स थी तो मैं यहाँ पे लगा देती हूँ, देख लीजिए आप लोग भी। ये मेरी मम्मी है, ये हरेला काट रहे हैं अभी और फिर सबको चढ़ेगा हरेला। और आज के दिन मंदिर भी जाते हैं बट हम लोग मॉर्निंग में जा नहीं पाए थे मंदिर, तो अभी हम लोग शाम को जाएंगे। और दोस्तों फैमिली के साथ कोई भी त्यौहार मनाने का अपना अलग ही आनंद आता है बट यहाँ पर तो हम लोग को अकेले ही सब करना पड़ता है। चलिए दोस्तों चल रहे हैं अभी हम लोग मंदिर, भोलेनाथ के दर्शन करके आते हैं। ठीक है दोस्तों हम लोग जा रहे हैं मंदिर और हल्की हल्की बारिश हो रही है यहाँ पे, तो हम लोग छाता लेके जा रहे हैं। ज़्यादा दूर नहीं है मंदिर, यहीं पर ही हमारे घर के पास में ही। चले चलते हैं मंदिर। दोस्तों फिर मैं आ गई हूँ अपने फेवरेट प्लेस, अपने प्यारे से किचन में। तो आज मैं बनाऊँगी छोले, आज बनाऊँगी, अभी मैं बनाने जा रही हूँ छोले। थोड़ा आप लोग के साथ भी शेयर करूँगी कि मैं कैसे बनाती हूँ छोले। और इसके बाद बनाऊँगी मैं पूरी, खीर मैंने बना ली है और फिर बनाऊँगी मैं रायता। ठीक है तो चलिए दिखाती हूँ आप लोग को भी मैं कैसे बनाती हूँ छोले। ये मैंने रेडी कर लिया है, ये देखिए इसमें मैंने 2 प्याज काटे हैं और ये है अदरक और लहसुन का पेस्ट और ये है 1 टमाटर मैंने पीस लिया है इसको। और यहाँ पे मैंने बॉईल कर लिए हैं अपने छोले। ये छोलों में ऐसा कलर कैसे आए हैं ये भी मैं बताऊँगी अभी आप लोगों को। और ये मैंने बॉईल कर लिए हैं, ये मैंने 90% बॉईल कर लिए हैं छोले और 10% और करने हैं। इसको भी मैं तड़का लगा के कुकर में दोबारा से 1 सीटी और दूंगी। ठीक है फिर हमारे छोले रेडी हो जाएंगे। और ये कलर लाने के लिए आपको करना 1 पोटली बनानी है। और मेरी खुशी भी है दोस्तों आपको जो खड़े मसाले हैं उसकी 1 पोटली बनानी है। उसमें डालना है लौंग, थोड़ा सा काली मिर्च, 2 तेज पत्ता, तेज पत्ता आप ऐसे तोड़ के डालेंगे छोटा छोटा करके, और दालचीनी थोड़ा सा, और थोड़ा सा अजवाइन, और चाय पत्ती, थोड़ी सी चाय पत्ती डालेंगे उसमें और उसकी 1 पोटली बना लेंगे छोटी सी। वो जब आप बॉईल करेंगे छोले तो उसके साथ में रख दीजिएगा। ठीक है तो उससे आपके छोलों में बहुत ही अच्छा फ्लेवर और कलर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों चलिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ अपना छोले बनाना। पहले सबसे पहले मैंने तेल गरम कर लिया है, इसमें मैंने डाला है सरसों का तेल। मेरा तेल गरम हो चुका है, अब मैं डालूंगी इसमें जीरा, थोड़ा सा जीरा डालना है आपको। और इसके बाद डालूंगी मैं प्याज, इसके बाद इसमें जाएगा प्याज, प्याज थोड़ा सा अच्छे से भून जाएगा, उसके बाद ही हम लोग डालेंगे इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट। दोस्तों प्याज हमारा अच्छे से भून चुका है, अब हम इसमें डालेंगे अदरक और ये लहसुन का पेस्ट।
इसमें आप लोग पेस्ट वैसे भी बना सकते हैं मिक्सी में, मैंने मगर ये कूट के बनाया है क्योंकि ऐसा ज़्यादा पसंद है। अब इसमें हम डालेंगे ये जो हमने टमाटर का पेस्ट बनाया था, इसको इसमें डालते हैं। दोस्तों अब हमारे टमाटर भी पक चुके हैं अच्छे से, ये देखिए। अब इसमें डालूंगी मैं मसाले, इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर, ये है धनिया पाउडर, 2 चम्मच इसमें जाएगा धनिया पाउडर, और ये है जीरा पाउडर 1 चम्मच, और ये थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर। अब इसमें मैं डालूंगी कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च, और ये है थोड़ा सा गरम मसाला डालूंगी, और थोड़ा सा इसमें जाएगा छोले मसाला, थोड़ा सा यानी कि 2 चम्मच करीब डालेगा। तो मैं अपने अंदाजे से ऐसे ही डाल लेती हूँ, ऐसे स्पून, ठीक है। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे। देखिए दोस्तों मेरे छोले मसालों में अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब मैं डालूंगी इसमें ग्रेवी बनाने के लिए पानी, और ये वही वाला पानी यूज करूंगी मैं जिसमें छोले बॉईल किए थे हमने, ठीक है। उसमें चाय पत्ती से ये कलर आ जाता है, देखिए दोस्तों पानी भी आपका इस कलर का हो जाएगा, ब्राउन कलर का। जितना आपको रस बनाना है उतना ही आप पानी लीजिएगा। आपको अगर ज्यादा गाढ़ा गाढ़ा रखना है तो कम पानी, अगर ज्यादा तरी वाला बनाना है तो आपको ज्यादा पानी डालना पड़ेगा, ठीक है। ये बॉईल करने के बाद भी मैं तड़का भी इसी में लगाती हूँ कुकर में, क्योंकि ये जो छोले हैं उसमें से अच्छे से बिल्कुल अंदर तक चला जाता है मसाला, इसलिए एक सीटी में कुकर में भी लगाती हूँ लास्ट में, ठीक है दोस्तों। दोस्तों मेरा मसाला भी अच्छे से पक चुका है, ये देखिए मसाला अच्छे से पक चुका है। अभी मैं इसमें डालूंगी कसूरी मेथी, थोड़ा सा इसमें जाएगा कसूरी मेथी, और मैं इसको मिक्स कर लूंगी अच्छे से। अब इसमें मैं डाल दूंगी छोले, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे छोले को मसालों में। देखिए दोस्तों मेरे छोले हो चुके हैं अच्छे से। अब मैं लगाती हूँ इसमें एक सीटी, फिर दिखाऊंगी आप लोगों को कैसे बने। दोस्तों अब लगाऊंगी मैं छोले में तड़का, मैं दिखाती हूँ आपको। ये मैंने घी लिया है पैन में, ये गर्म हो चुका है। अब इसमें डालूंगी मैं अदरक, देखिए ये है अदरक, इसमें जाएगा अदरक, और थोड़ा सा हींग, और ये कश्मीरी लाल मिर्च, इससे स्वाद बहुत बढ़िया आता है छोलों में। देखिए अब मैं डालती हूँ अपने छोलों में, ग्रेवी। चलिए दोस्तों छोले तो मेरे रेडी हो गए हैं, अब मैं बना लेती हूँ पूड़ी। और ये मैंने गूंदा है पूड़ी का आटा, इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा कसूरी मेथी। और पूड़ी का आटा आप लोग को टाइट गूंदना है जिससे आपकी पूड़ी में जो ऑयल होता है ना सोखेगी नहीं पूड़ी। अगर जितना गीला आटा रहेगा ना उतना ही आपका ऑयली ज़्यादा बनेगी पूड़ी, और जितना ही टाइट आटा रहेगा ना उतना ही कम ऑयली बनेगी, ठीक है। दोस्तों आप लोग को आटा टाइट गूंदना है पूड़ी बनाने के लिए। चलिए दोस्तों बना लेते हैं पूड़ी, ये देखिए पूरी फूली पूरी, जो पूरी फूलती है तब बहुत अच्छा लगता है ना, जब नहीं फूलती तब ऐसे मन उदास हो जाता, फूली नहीं।
हम लोग के साथ भी होता होगा, जो फूलती है तो बड़ा अच्छा लगता है ना देख के, आहा हमारी थोड़ी फूलती है। पहले हम लोग लगाएंगे भगवान जी को भोग, फिर अपने लिए बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, मैं बना लेती हूँ और भगवान जी को भोग लगाती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। चलिए दोस्तों हम लोग खा लेते हैं खाना, फिर मिलते हैं आपसे।